मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे आप सब? आई होप यू विल फाइन। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ऑर्डर्स ऑफ नंबर के बारे में देखा था, एसेंडिंग ऑर्डर, जो बढ़ते क्रम के सीट को दर्शाता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। घटते क्रम, इसको समझते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। जैसे कि नाम से हम लोगों को पता चल रहा है, घटते क्रम। घटते क्रम कहने मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस स्थिति में चलेगा। एग्जांपल लेते हैं, समथिंग पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। जैसे इस स्थिति में हम लोग देख रहे हैं, पहले बड़ी संख्या 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अगर हम लोग 10 लेते हैं, फिर हो जाएगा 10, 9, 8, 7, 6। इसी तरह इसी बढ़ेगा यहाँ तक। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, 111, 122, 555, 95, 84 and 72। इसको अरेंज करते हैं हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, सबको घटते क्रम में अरेंज करना है। पहले देखते हैं सबसे छोटी नंबर इसमें से 70। यहाँ पे 72, 84, 95, 555, 122 और 111 एग्जांपल मैंने लिया है। इसको अरेंज करते हैं, पहले बड़ी संख्या 555, उसके बाद इससे छोटी संख्या हम लोगों ने देख रहा है 122 है, 122, फिर 111, फिर 95, फिर 84 एंड एट लास्ट 72। दैट है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एक एग्जांपल और लेते हैं, 125, 525, 625, 625 और 225, इसको अरेंज करते हैं। पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, अरेंज करते हैं इसको। 625, 525, 225, 125 एट लास्ट 120। मैं कुछ इसके बाद होमवर्क दे रहा हूं, जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है। कुछ होमवर्क दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।